बस छोटा मोटा जो जल्दबाजी में कर सका आप लोगों के लिए मैंने ये सब तैयारियां की। आई होप यू गाइस लाइक इट। अब फारूक का फोन है। क्या बाबा का? अब डोंट वरी, मैं आई टेक केयर, तुम एंजॉय करो। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे अबू तो हैं। हाँ लेकिन फिर भी हाँ फारूक आ रहा है ना, युसरा कहाँ है? मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही है? वो दरअसल अपनी फ्रेंड्स के साथ है, वो लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं तो बहुत बहुत म्यूजिक लाउड है तो उसको शायद आवाज नहीं आई है। मैं थोड़ा साइड पे बैठी थी इसलिए मुझे बेल की आवाज आ गई। कितने लोग हैं? सारी फ्रेंड्स हैं और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे ही वो फ्री हो उससे मेरी बात करो। हाँ हाँ श्योर। और सुबह जल्दी वापस आ जा। फारूक दरअसल इन लड़कियों ने ना सुबह ब्रेकफास्ट का पूरा इंतजाम किया हुआ है और तुम्हें पता है सब लड़कियां हैं, पूरी रात जागेंगी, सुबह लेट उठेंगी, तो मैं फिर उसके बाद ही निकल सकूंगी। फिर भी सुबह जल्दी वापस आने की कोशिश कर। रायना सच पूछो तो मैं युसरा को भेजकर कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करोगे सुबह जल्दी वापस आ? अरे डोंट वरी फारूक, कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूं ना उसके साथ और मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए कितनी अजीज है। स्टूपिड, हर वक्त अपनी बेटी की पड़ी रहती है। अरे कभी मेरी भी खैरियत पूछ लिया करो, मैं कोई चौकीदार थोड़ी हूं तुम्हारी बेटी की। हारिस क्या हुआ भाई, तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था आउटिंग का? जी प्लान था पर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है रूमी कह रही थी कि तुम बहुत बोर हो, जब भी कोई प्लान बनाती है तुम मना कर देते हो। सच में यहाँ आकर बोर ही हो गया हूँ। सोचा था यहाँ आऊंगा तो कुछ चेंज होगा लेकिन नहीं, कुछ नहीं भुला पा रहा हूँ बल्कि उल्टा तकलीफ में आ गया। देखो बेटा जख्मों को जितना घुरे दो ना उतनी ही तकलीफ होती है। मैं खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर, नहीं दिल लग रहा है यहाँ पे, बोर हो गया हूँ, हम वापस चलें। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। अब तो तुम्हारी शादी करने के बाद ही जाएंगे हम लोग यहाँ से। मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। तो क्या वापस जाकर उस बदतमीज और खुद से लड़की अनुषा से शादी करनी है? हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक उसका भूत तुम्हारे सर पर सवार है। अम्मी प्लीज उसका नाम ना ले मेरे सामने, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है काम डाउन हाँ, नहीं करती मैं उसका जिक्र। देखो फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी इंगेजमेंट कर देते हैं और कुछ महीनों बाद आके तुम्हारी शादी कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। हारिस तुम अच्छी तरह से जानते हो ना बेटा मुझे तुम्हारी शादी का कितना शौक है, तुम मेरी इकलौती औलाद हो बेटा, प्लीज इस तरह से मत करो। आखिर कब करोगे तुम शादी बेटा, तुमने हाँ की थी ना। मैंने शादी से इनकार कब किया है, बस थोड़ा सा वक्त मांगना, मुझे वक्त दे दें थोड़ा सा। चलो ठीक है, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। और हाँ मैं टिकट्स कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन बेटा प्लीज तुम नेक्स्ट मंथ की बुकिंग कराना, कुछ काम निपटाने मुझे यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे। और हाँ बाहर आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं यार।